हमारी संस्कृति में ये एक विशेष स्थान है। जिस वक्त वो चंद्रगुप्त उस धर्म मालकी का बनड़ा बनकर बारोठी पर गया तो वो सखिया छात पर खड़ी थी और उसने देखन लाग गई और उनके बीच में वह धर्म मालकी भी खड़ी और वह सखी कहने लगी कि वो आ गया, अकबेबे कौन आ गया, अके वो आ गया, कौन, किस तरह से वो सखिया उसको क्या बताती है, क्या बताया भला। हाँ, यो बोली आया है, आया तेरे दिल का लुटेरा है। चला दिलदार हो के घोड़ी पर सवार, बन के चला दिलदार घोड़ी पर सवार, सर बांध कसेरा है, हे आया बालम तेरा है, आया है आया तेरे दिल का लुटेरा है। इसके गोती नाती है, इस बनड़े की गेला है, इसके गोती नाती है, बजे बजे बाज रहे और नाचे संग के साथी है। आई झूम के बाहर मारा खेला गुलजार, आई झूम के बाहर मारा खेला गुलजार, जिसा रंग बखेरा है, आया पाले मचेरा है। को सामंत का भूखा था, उस नौटंकी ने ब्याह लिया। ओ फूल सिंह को ताना सहन नहीं होया, अपने दोस्त सेठ कुंदनमल के पास जाता है, उतरा हुआ चेहरा देख को कुंदनमल कहता है कि भाई तू आज तक खेलता करता लेकिन आज तेरे चेहरे पोदाशी नबला। भाई ऐसी कोई बात नहीं नबला, नहीं भाई बतानी पड़ेगी एक बात के द्वारा। वो फूल सिंह अपने दोस्त सेठ कुंदनमल को क्या बताता है, एर मार्या रे तानारे, हो गया रे हो गया मैं तोरत देवाना रे, मत ऐसा दिया बींदरा तू आवे कोने नींद, मत ऐसा दिया बींदरा तू आवे कोने, मेरा छुट गया खाना रे, ओ मैं वह देवाना रे।
तेरी दुख चिंता मकाया रे के पुजदा को मिल रे मेरी दुख चिंता मकाया रे हर नौटंकी ना देख लेऊं सूंछ तेरी कब्जा आ रे ओ जाऊंगा मुल्तान मेरी बातें को निशान मत जाऊंगा मुल्तान मेरी बातें को निशान मेरा छोरे बहाना रे ओ कितने कातिक नाए और कितने को व्रत करे वह सारे तेरा ईब काम आवे हैं अके क्यों करे अके व्रत करे बिन नियम धर्म बिन इतना सुथरा पति नहीं मिला करता जिसमें इतने गुण हो अक क्यों करे अकन्यू कैसे दूसरे नंबर पे क्या बताती है मिले नहीं दलदार ईसा देख तबीयत खुश हो जा सखी तेरा भर थार ईसा घणी सुतरी सशान देख शर्मा जवान घणी सुतरी सशान देख शर्मा जवान कर जगमग चेहरा है पिया करेगा दुलार रहिए पिया करेगा दुलार वो प्रेम घनेरा है बोलता करो तो मत मरूंगा बेमौत लगे बोलता करो बेदर्द जमाना रे
भाई साहब के पास चले गए। हाँ जी जा रहे, ये हवलदार साहब जी जा रहे प्रोग्राम करने। मैडम पाई मखा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? मखा जी खांडा खेड़ी तो आया हूँ। के काम था? मखा जी भाई साहब बहुत अच्छे गायक हैं, मशरूम रागनी लिखण लग गया था, ये कदे के गाँव हैं। मैं 5-7 रागनी लिख रहा हूँ, नु सोचू इनकी आवाज में लिख जा। हक जी ठीक है, रागनी दिखाओ, पढ़ कर देखी। बोली वाह जी वाह बहुत बढ़िया, मैं भी सिफारिश करूंगी, जरूर गाऊंगा इन। मखा जी और सुनाओ पहलवान साहब के बारे में, हौलदार साहब ये पहलवानी भी करा करे ना। तो उन्होंने बोले जी ठीक है, दोनों काम बढ़िया चल रहे हैं, गेल गेल पहलवान है, गेल गेल अपनी नौकरी कर रहे हैं, तीसरा काम गान का भी बढ़िया चल रहा है। तो इतने में हौलदार साहब प्रोग्राम मत आगे, उन्होंने बोले चल ना भाई ऊपर बैठांगे, राम रमी होई। ऊपर चले गए, चुबारे में लौट गया मैं, और लौटते खुट्टी पर नजर गई, खुट्टी पर लंगोट टंग रहा लाल। मखारे हौलदार भाई कहा भाई मखा यो लंगोट टंग रहा कम करा कराई पी बिना ना मेरा छोड़न है प्रोग्रामा की पता किसे बाज रहे हैं, उस बात ना टाला रोर किते बंद है। मखा सैको राज की बात मने फेर पूछी, मखारे हौलदार साहब भाई बता ने यो लंगोट टंग रहा कम करा करे बिना मेरा छोड़न है। इतना मवा भाभी जी चा लेकर आ गई और उसने बारना खड़ी होकर सारी बात सुन ली। बोले जी के खुसर फुसर हो रही थी माँ जी कुछ ना, बस बोला ना को बात थी। मखा जी मैं पूछू था अग भाई लंगोट टंग रहा है क्यों करया करे, और यू नाट है बताता नहीं। बोले जी यो को ना बतावे इस बात ने। मखा जी क्यों, किस बात ने तो मैं बता सकू हूं। मखा आप बता दो। बोला जी सा है पहले तो ये पहलवानी पहलवानी करा करते ठीक ब्यो था, फिर गेल गेल नौकरी, अरीब यो गान वाला काम सब तबत्ती आंगे का, सारी रात प्रोग्राम करके आवे आर थक जा है। मगा जी फिर यो लंगोट क्या ताई टंग रहा है? बोला यो तो सिर्फ इसकी कांच दा बनता ही टंग रहा है वे। आजाद सिंगे खांडे आला भी आरा गेल बारात में, सतगुरु जी कया शीश पे न छोड़ दे कसर खो भात में, धर छाट के न छंद आव सुन के आनंद, धर छाट के न छंद आव सुन के नट मन का अंधेरा है। इनके गांव में एक बहुत तगड़ा पहलवान, वो कितना भी जावे कीते तो 11,000 लिया, कीते तो 21,000। ई विष्णु सोचिए कि यो सुबह शाम थोड़ी बहुत मेहनत करे से, अरे यो तो अच्छे मोटे रुपये मारन लाग रहा है। यो भी सर में गया 5-7 लंगोटी समवा लिया। और हनुमान की मूर्त ले आया, उसका आगे को पहुंचे जितना मोटा बत्ता लाओ रोज, और तेल मसल ले थोड़ी बहुत 5-10 दिन वह करी, वो मसल ही फूलगी। इब एक पड़ोस मदंगल आ गया, उड़ा पहुंच गया, इन्हें तो जोड़ मांगया, इब करणिया के छोटा से शरपर तक गूंज दिया। न्यू है महीने पछे इनके गांव में दंगल आ गया, पड़ोस में भी चर्चा होगी बा फलाने छोरा भी पहलवानी करे है।
ही दंगल खूब जम रहा, अच्छी कुश्ती चाल रही जब उड़ा लकड़ी गया और उड़ा जाकर जोड़ मांग लिया। गांव क्या ने भी सोची भाई कई दिन हो लिए मेहनत करते कि मैं तैयार हो रहा होगा, अच्छे छोरे के लिया फंस गया, उड़ा भी सर पर तबगा दिया, ईब काली बन गई उस लंगोटी के चार टूक करिकन है और हनुमान की मूर्त दोरा आया और वह मूर्त ठाकर मारी दूर मारी बगा के नहीं, वो थोड़ा सा सह तोतड़ा ठाकर बगा के मारी ने मिला थैरी तो अंध के दो थे रुपया दूमा थूंगे कितने भी जय नहीं करी। रोशन से हरियाणी हर जगत से सतगुर का चेला चूर रहे सगाई में ओ हो तकर मीठी जबानी अपनी रागले से शान हो तकर मीठी जबानी अपनी रागले से वो एक गा के गाना रे जाता है। और एक बात के द्वारा उसको क्या कहता है ए रैया दान्य राड़ी ओ मरे की बाड़ी बेली नारी सोला शंगा इरे अल बेली नारी सोला शंगा घूंघट की मम्मा के मारगी नैना की कटा ओ हो कन चार कितने चली रात में कोई मर देना बालक साथ में कौन गत में लचके लगा
ने मनु बताएगा कि ससुराल में बटे की किसी कदर होया करे, सारे रिश्ते नाते उड़ा भी होया करे। अरे मारवाड़ी कुंगरेड़ तो ससुराल का जकरान दे उड़ा पहुंच जाए, जड़ा मतलब कोई ज्ञान की बात नहीं होती, सिर्फ ऊट पटांग। न्यू बताया कि वो चाप सिंह जब ससुराल गया तो उसका उड़ा किसा स्वागत होया, किस तरह से उसकी सारी शक्ति, उसकी सासू क्यों कर बाजी बाजी अंडी, किस तरह से क्या बताया बोला। रंग महला में रौनक छागी छागी, अगर पड़ोसन सारी आगी, रंग महला में आइए हो बटे ऊ कह, आइए हो बटे ऊ, सारी सपनी दे राम राम, करण लागी आइए हो बटे, 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 आइए हो खे जाड़े बछाया पलंग नवारी, जाड़े बछाया पलंग नवारी, मीठी र मीठी बोले सारी, जीजा जी तेरी सूरत प्यारी, तेरी हो शान पे हम बलिहारी, नहीं सकाई और कवारी, घर की वफा की भागी, आइए हो